हेलो दोस्तों, मैं हूं त्रिलोक और त्रिलोक फूड गैलरी में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आजकल होली का त्यौहार है तो घर में मिठाइयाँ या फिर गुजिया तो सभी घरों में बनती हैं और उन सब के लिए आपको खोए की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, खोया बनाएं घर पर, क्योंकि मार्केट का जो खोया है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 150 ग्राम मिल्क पाउडर और 100 ml मिल्क और 1 चम्मच देसी घी। लेना है पैन और अभी हमें फ्लेम नहीं ऑन करनी है। यहाँ पर जो हमारा मिल्क था वो हम इसमें डाल देंगे और मिल्क के बाद जो हमारा 1 चम्मच देसी घी था वो इसमें ऐड कर देंगे, मिला देंगे। और अभी इसको क्या है, हमें अच्छे से डिसॉल्व करना है इसमें। वैसे तो अभी ये इतनी अच्छी तरह से हो नहीं पाएगा, अगर गैस की फ्लेम ऑन होती तो जल्दी से डिसॉल्व हो जाता, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा हल्का सा मिलाएंगे, बाकी मिल्क पाउडर मिलाने के बाद ये हो जाएगा डिसॉल्व इसमें, क्योंकि अगर अभी हम फ्लेम ऑन कर देंगे तो फिर हमको बाद में दिक्कत होगी, वो मिल्क पाउडर में गुठलियाँ बन जाएंगी। तो हम ये हमारा जो मिल्क पाउडर था वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे इसमें धीरे 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 धीरे। अगर मैं फ्लेम ऑन करके इसको करता तो उसमें क्या है, गुठलियाँ बनने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप क्या है, इसको अगर गैस को ऑफ करके और पहले ये काम कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। तो ठीक इसी प्रकार इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स वगैरह गुठली इसमें ना बने, अच्छी तरह से इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे। और इसमें जो हमारा जो घी था, देसी घी, फैट, वो भी बहुत अच्छी तरह से अब डिसॉल्व हो जाएगा। पहले तो नहीं होता, बाकी अब काफ़ी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएगा वो। अब ऊपर ऊपर जो आप देख रहे हैं इसके, अभी क्या है वो मिक्स तो हो चुका है, जो हमारा जो घी था वो अभी इसके ऊपर है। मैं उंगलियों की सहायता से आपको दिखाऊंगा अभी। और अब क्या है, हम गैस ऑन कर लेंगे और गैस ऑन करने के बाद अब पैन को इस पर रख देंगे हम। और अब फिर इसको हमने ठीक मिक्स करना है। अब हमारा जो घी है वो दूध के ऊपर आ जाएगा, जो अभी तक हमें लग रहा था कि वो लम्स हैं, वो लम्स नहीं थे, जो हमारा जो घी था वो दूध के ऊपर आ रखा था। तो अभी क्या है वो इसमें बिल्कुल मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से। अब हमें क्या है कि हाथ को जल्दी जल्दी चलाना है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ना उंगलियों की सहायता से दिखाने की कोशिश करिए। यहाँ पर क्या है, अब जो घी था वो ऊपर आ चुका है इसमें, जो पहले लम्स की तरह दिख रहा था। होता क्या है दोस्तों, हीट की वजह से क्या है, जो हमारा जो घी होता है ना वो मेल्ट हो जाता है, और पहले क्या है वो मेल्ट नहीं हो रखा था, ठीक है। तो अभी क्या है वो बहुत अच्छी तरह से उसमें मिक्स हो जाएगा, जो जनरली सी बात है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मिल्क पाउडर है उसमें गाढ़ापन आने लगा है, गाढ़ा होने लगा है। और ठीक इसी तरह से हमें हाथ चलाते रहना है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ये और भी गाढ़ा हो चुका है। तो मेन है कि हमको जो मॉइस्चर है उसको रिड्यूस करना है। अगर आप खोया बनाएंगे तो चाहे आप मिल्क से बनाएं या फिर इस तरह से बनाएं, मेन जो है वो जो मिल्क या मिल्क पाउडर में जो मॉइस्चर होगा उसको मेन हमें रिड्यूस करना है। अब धीरे 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 इसी तरह से हम इसको चलाते रहेंगे और आप देख सकते हैं खोया जो है वो हमारा बनने लगा है अभी।
हल्का थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर है, बाकी कोई बात नहीं, मीडियम फ्लेम पे करके और इसको हम मतलब स्पैचुला को हम रेगुलर चलाते रहेंगे, हाथ रुकना नहीं चाहिए यहाँ पे। और आप देख सकते हैं खोया जो है वो हमारा बनकर तैयार है। तो दोस्तों जब खोया घर पर ही बन जाएगा तो बाहर से हम क्यों खरीदें, और बाहर बहुत सारी मिलावटी वाली चीज़ें आपको मिलेंगी, तो घर पर ही बनाइए खोया इस होली। और कमेंट कर कर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।